दिल्ली को देश के शहरों और कस्बों के लिए मॉडल माना जाता है क्योंकि ये देश की राजधानी है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की तिहाड़ जेल का नाम सुनकर ही कभी अपराधी कांपने लगते थे, लेकिन अब दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा। दिल्ली में गुंडों और बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं। दिल्ली की यह डरावनी तस्वीर इस बात की नई मिसाल है। दिल्ली के इंडिया गेट पर एक परिवार घूमने आया था, साथ में छोटे बच्चे भी थे। इंडिया गेट पर बच्चों को बैटरी से चलने वाली बाइक पर सैर कराने वालों का पूरा झुंड रहता है। जामा मस्जिद इलाके से आए मोहम्मद फैजल ने अपने बच्चे को एक बाइक पर बैठाया। फैजल का आरोप है कि बाइक की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए जब उन्होंने बच्चे को दूसरी बाइक पर बिठाना चाहा तो बाइक वाला उनसे मारपीट पर उतारू हो गया। थोड़ी सी कहासुनी के बाद बाइक वाला गया और अपने 30-35 साथियों के साथ लौटा। इस झुंड ने फैजल और उनके परिवार को बुरी तरह से पीटा, यहां तक कि दूधमुही बच्ची को भी। दिल्ली में ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं, जहां जिसका जोर चलता है वो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाता है। पिछले हफ्ते ही एक नाबालिग को सरेआम बुरी तरह पीटा गया क्योंकि वो बगैर पूछे दबंगों की स्कूटी पर बैठ गया था। दिल्ली में रोड रेज का ताला तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मारने लगे हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इंडिया गेट जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में हजारों की भीड़ के सामने गुंडागर्दी हुई और पुलिस को कुछ नहीं दिखाई दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक आरोपी बाइक वाला और उसके साथी फरार हो चुके थे। इंडिया गेट आए थे, बैठे हुए थे, गाड़ी वाला आया था, बच्चे को बिठा रहा था वो, तो उसकी गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं थी, हाथ से चला रहा था गाड़ी। उससे हमने कहा उतार दे गाड़ी, जैसे कहने लगा नहीं अब नहीं उतारूंगा, तो बिठा दिया मैंने और मैं चला तो रहा। तो फिर उससे तेज अंदाजी होने लगी, उसने तमाचा मार दिया। उसने लड़के ने जैसे गाड़ी वाले ने उनके तमाचा मारा, जब जाके उन्होंने जैसे वो करा तो ये मेरे हस्बैंड और मेरे दूसरे वाले भाई एकदम इनको बचाने के लिए बीच बचाव करने के लिए गए, तो एकदम वो तो चढ़ चढ़ के इसको लिटा दिया पूरा मारते मारते। थोड़ी देर में 5 मिनट बाद वो इतने सारे 30-40 जनों को लेकर आ गया साथ, उन्होंने बेल्टे डंडे और खून मारा है जिससे इसके खून निकला। ये तो बचा गया था जो इसके सर पे और इस पे सब जगह लगी है, और इसकी भी नाक में से खून आया। वो उसकी भी नाक, मेरी छोटी बच्ची है 3 महीने की, मेरी गोद में थी, मेरे भी बैक वगैरह पे लगी हुई है, लेकिन मेरी बच्ची के सर्वर पे लगी है। वो लेडीज से बदतमीजी करने लग गए, गाड़ी वाले जो है गाड़ी वाले बदतमीजी करने लग गए। फिर उसके बाद ये लोग भागे, ये लोग मानने के उन्होंने भी हाथ वाथ छोड़ दिया, जो पब्लिक थी जिनका बच्चा हुआ था इन्होंने भी हाथ मारा। और फिर आपस में हो गए, वो ग्रुप लेकर आया अपने, कम से कम 40 ही होंगे, ज्यादा उससे भी, मैं बेल्ट लेकर आ गया साथ मारने के, तभी उससे तोड़ दिया उनको। लेडीज बच्चा गोद में ली हुई थी, वो घूम गई पूरी। और शर्म की बात ये कि ये घटना, ये वारदात इंडिया गेट पर हुई, दिल्ली में हुई और इंडिया गेट पर, हाई प्रोफाइल इलाका, हाई प्रोफाइल जोन। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है दिल्ली में सुरक्षा को लेकर, जो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल वाजपेयी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीआर कक्कड़ रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर दिल्ली के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अनिल वाजपेयी जी के पास चलूंगी। वाजपेयी जी, हाल फिलहाल में इतनी सारी घटनाएं हुई और ये ताजा तरीन बिल्कुल इंडिया गेट पर, सबसे हाई प्रोफाइल इलाका इंडिया गेट पर, सब लोग अक्सर घूमने जाते हैं आम आदमी, लेकिन ये घटना हुई रात। कहां है आपके मुखिया, कहां है मुख्यमंत्री, कहां है आम आदमी पार्टी? ना कोई ट्वीट, ना कोई जिक्र, कुछ भी नहीं। आप चाहे बेशक दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़े, लेकिन कुछ तो कहें, खामोश बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है, जो ये घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं आम आदमी पार्टी। आप हमारे स्टूडियो में आके अब बोल रहे हैं, आपकी पार्टी ने सुबह से कुछ नहीं कहा इस पर। मैं तो बोल रहा हूँ ना इस बात को। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी के 2 साल का कार्यकाल के लिए खुशी मना रहे हैं, और वहीं 7 रेसकोर्स रोड से इंडिया गेट कितनी दूर है, और वहां जिस तरीके से 35 लोगों ने उन लोगों को पीटा है, ये बहुत दुखद घटना है। और हमारे मुखिया तो हर बार ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमको दे दो आप, लेकिन हमको मिलती कहाँ है? हमने तो हमेशा इस बात की गुहार लगाई है। इससे थोड़ी ना खाली ये कहकर आप पल्ला झाड़ लेंगे। आपकी पार्टी ने कोई बयान तक नहीं दिया सुबह से इस घटना का। मैं तो कह रहा हूँ, अगर हमने आपको न्योता दिया, बहस आयोजित की, तो आप बोल रहे हैं ना। इसकी जो है उसकी निंदा करती है, और पार्टी ये मांग करती है कि जिन लोग इन घटना में जिम्मेदार लोग हों, दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी धाराएं उनके खिलाफ बनती हैं जाके। और ये बहुत गलत है ये, और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है ये। आलोक जी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत सुना हमने नारा, लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए।
इंडिया गेट पर जहां दो साल का जश्न केंद्र सरकार मनाती है, मोदी साहब बड़े बड़े सितारों को वहां मैदान में उतारते हैं, वहां पर लोग सुरक्षित नहीं है? वो ट्विटर का खेल मोदी साहब का भी और केजरीवाल साहब का भी, दोनों का खामोश है। आज दिल्ली के अंदर क्या हालत हो गई है आप इंडिया गेट के चारों तरफ जाकर देखिए, शाम के समय हजारों हॉकर्स होते हैं, हजारों की तादाद में। मैं पूछना चाहता हूं, बैटरी बस जो चली वहां पर, जो बैटरी रिक्शा थी या जो भी टॉय था, उसकी परमिशन किसने दी है? किसी ने नहीं दी है। एनडीएमसी एरिया है, एनडीएमसी किसके अधीन है, उसके चेयरमैन कौन है? केजरीवाल जी हैं। लेकिन आज वो ट्विटर का खेल खामोश है। हमें तो बस दिल्ली पुलिस दे दो, हम तो वहां पर दिल्ली पुलिस लेने के लिए गए थे। पहले जब शीला दीक्षित जी के ऊपर आप आरोप लगाते थे तब समझ नहीं आया था आपको, एनडीएमसी के कौन चेयर करता उस मीटिंग को? एनडीएमसी का जो वो एरिया है जहां पर इंडिया गेट है, वो किसका विधानसभा है? केजरीवाल जी का विधानसभा है। आज दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर केवल आरोप लगा रही है, खामोश है, और खामोश है, सन्नाटा छाया हुआ है। मैं इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही दिल्ली के सेंसिटिव इश्यू को उठाया है। आप किसी भी पार्किंग में चले जाइए जहां पर कॉरपोरेशन बीजेपी की बैठी हुई है, किस तरह से पार्किंग्स के अंदर माफिया राज चल रहा है वहां पर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और दो साल का जश्न मनाया जा रहा है, पार्टी को केजरीवाल तो ऐसा लगता है कि कोप भवन में चली गई है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं हो रही है, लेकिन केवल और केवल इनका राजनीतिक फायदा उठाया और आज अपनी जिम्मेदारी से दोनों की दोनों पार्टियां भागती हुई नजर आ रही हैं। जी अनिल जी, देखिए ये आप शर्मा जी आप गलत आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी कभी भी कोप भवन में नहीं गए। नहीं बताइए ना, सुबह से सीधे बयान आया, लोग आज भी दिल्ली जनता के साथ केवल पंजाब से जाकर मुनक कैनाल के ऊपर दिल्ली को नहीं संभाल रहे अपनी। हम आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे आप इंडिया गेट के चारों तरफ जाकर कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, आपने क्या किया मुझे बताइए आप? अरे हमने 15 साल आपके कांग्रेस की सरकार कुछ भी नहीं किया। हमारे पास तो लॉ ऑर्डर है नहीं, हमारे पास अरे लॉ ऑर्डर है, हमारे पास लॉ ऑर्डर नहीं है, हमारे पास क्या है? दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, ये काम तो दिल्ली पुलिस आपको और दे दीजिए ताकि आप निर्दोष लोगों को फंसाना। आप एनडीएमसी का एरिया है, एनडीएमसी का जवाब दीजिए। एनडीएमसी की जो मीटिंग होती है मेंबर्स की, उसको चेयर कौन करता है? केजरीवाल का बात नहीं है, क्या बात है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल किसके पास है? क्या उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना क्या केजरीवाल का काम नहीं है? क्या हमारी क्या वो विधानसभा उनकी नहीं है? आप हमें काम नहीं करना। एक बार भी दिल्ली पुलिस को आपने चिट्ठी लिखी आपकी सरकार ने? सरकार मुझको काम, हम लोगों को काम नहीं कर, बेकार ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। वो हमें काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे, मुझे केवल बताइए ना। आप पार्टी केजरीवाल की एक चिट्ठी गई कि इंडिया गेट पर इस तरह से तांडव हो रहा है, हम तो कह रहे हैं आप यहाँ पर आए बुलाए गए, दिल्ली बुलाए गए, क्या दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी? मैं एक और चैनल में था जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर, जिस मंत्री के पास बुलाने पर आ रहे हैं ना, जिस मंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर है, चिट्ठी आज तक लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बताइए भाई? लॉ एंड ऑर्डर मंत्रालय आपके पास, क्या लॉ मंत्री नहीं है क्या? हमारे लॉ एंड ऑर्डर में लेफ्टिनेंट केवल पुलिस नहीं करते हैं, दिल्ली पुलिस अजीब बात काम नहीं करने दे रही है, बेकार की बात। हम हर बार कहते हैं दिल्ली की जनता को कब तक गुमराह करेंगे आप लोग? जनता को कोई गुमराह नहीं करते। केजरीवाल के खुद के स्वयं के क्षेत्र में जहां पर उनकी विधानसभा है वहां पर ये तांडव हो रहा है पूरी दिल्ली, और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास ये नहीं है। पूरी दिल्ली मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता को गुमराह करना हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं है तो क्या दिल्ली पुलिस का आज तक आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी इस बात को कही? आपने क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बार भी दिल्ली पुलिस को नहीं कहा? हमने कल से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आपने है। राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, किससे नहीं मिले? कौन मिला प्रधानमंत्री जी से? अरविंद केजरीवाल। कब मिले? अब मुझे डेट थोड़ा पता, अब डेट नहीं पता ना, आप लोग केवल रस्म अदायगी करते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो कब मिला है आपको पता नहीं? आप स्वयं विधायक हैं, आप जरूरी थोड़ी बहुत गलत बात है। आप देखिए किस तरह से आज रेप की घटनाएं दिल्ली में बढ़ रही है, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि लगभग दुगनी हो गई है, लेकिन आप जब दिल्ली में निर्भया के दोनों पार्टियां अब तक उठकर जिम्मेदारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा अच्छा सीटें आप देखिए कि 67 सीटें अच्छा एक सेकेंड वाजपेयी नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। आज आप क्या कर रहे हैं? 25% आलोक जी गिरा आपका एक साल। आलोक जी मैं आप दोनों पास अनिल जी पीछे मत जाइए, आप मौजूद जो समय है इसकी बात कीजिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप दिल्ली पुलिस आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस आपके तहत नहीं आती, चलिए छोड़िए उस बात को। हाल ही में 18 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि
दिल्ली में ऐसा लगता है, उनका ऑब्जर्वेशन था, जैसे जंगल राज हो गया हो और जो अपनी जान बचा सकता है बचा लेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी थी और उसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी कटाक्ष किया। ये कहा है कि दिल्ली की जो सरकार की जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उसमें हजारों की तादाद में जो मामले हैं वो लंबे थे, जांच पूरी नहीं होती। एक तो फॉरेंसिक लैब्स वाले इस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का जवाब दीजिए, ये आपके अंतर्गत आता है। और वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लगाने वाले थे, कहाँ है कैमरे? और पता नहीं कितने जवाब दीजिए, बयान कर दिए सीसीटीवी कैमरे, सब दिल्ली के लिए बना, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे, कहाँ है? डेढ़ साल हो गया जनाब, इंडिया गेट पे क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा, डेढ़ साल हो गया जनाब, सभा बन रही है, हम लोग बोला सुना में हमारा नामेबाजी आ रहा है, केवल और केवल जनगोपाल बिल भी लटका हुआ पड़ा अभी तक, तो किसने लटकाया है, किसने लटकाया, क्योंकि आपने प्लीज जन लोकपाल पे मत जाइए, केवल और केवल आलोक जी को गुमराह करना चाहिए, आलोक सीसीटीवी कैमरे हमारी नियत साफ है, कान कमांडो वर्ष कांग्रेस, आप लोग सुनेंगे मेरी बात, दोनों वरिष्ठ लोग हैं, आपकी सुनेंगे मेरी बात, खुनते जी ने लूटा है, सुनेंगे मेरी बात, मेरा मुझे जवाब दीजिए अनिल जी कि वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगने वाले थे, डेढ़ साल हो जाए होने जा रहा है आपकी सरकार को। नहीं देखिए, हम लोगों ने उसके लिए टेंडर की बात कर ली है, सारा मतलब टेंडर अभी हो रहा है उसके अंदर जाके, और हम लोग हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 100% हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है, हम आपसे कह के जा रहे हैं हम दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे कब तक लगेंगे? अब देखिए समय थोड़ा लग सकता है, लगातार रेप की घटनाएं हो रही है, लगातार क्राइम की घटनाएं हो रही है, 15 साल थे जनता के सामने, आप तो 15 साल में आपने क्या किया ये बता दीजिए, आप तो 15 साल थे, आप तो 15 साल क्या हुआ? हमारे साथ राजीव बब्बर भी जुड़ चुके हैं, आप उनसे हम ऑडियो तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी के। और राजीव जी, इंडिया गेट पर देर रात इतनी शर्मनाक घटना होती है, बिल्कुल सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी में, जहां पे पास में प्रधानमंत्री का निवास है, राष्ट्रपति भवन है, सारी तमाम हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट है, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, हाथ पे हाथ धरे रहती है। आम आदमी पार्टी और तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि तो केंद्र सरकार की, वो तो ठीकरा आपके सर फोड़ेंगे ही, क्योंकि उनके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता नहीं। देखिए ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इनके एमएलए, इनके नेता मवाली कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये इनका बिहेवियर रहता है सड़कों पे, और ये जो रोड रेज की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसमें बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली में जो व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है उसका भी एक कारण है। लेकिन जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस के यहां पर अब क्राइम की रिपोर्टिंग जो है वो आसान की गई है, आसानी से लोग रिपोर्ट कर पा रहे हैं और ऑनलाइन भी लोग अपनी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा पा रहे हैं। ये पिछले 6 महीने 1 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका लोगों को लाभ मिल रहा है और उसको मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। दिल्ली में क्राइम कम हो गया, भी रोड सब घटनाएं एक जैसी नहीं होती है, क्राइम कम हो गया, कैसे हास्यास्पद बयान दे रहे हैं आप लोग? देखिए आपको 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 ध्यान से समझना चाहिए, दोनों सरकारों को लगातार लगा रहा है, पार्टी केजरीवाल तो किसी लायक है ही नहीं, आप लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं अपनी, कि रिपोर्टिंग को कन्वीनियंट किया गया आज दिल्ली, तो फिर हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली में जंगल राज जैसे हालात हो गए, जो अपनी जान बचा सकता है बचा ले। ये बताइए बब्बर साहब, चीज में से राजीव बब्बर ओपिनियंस को भी, अगर आपको ये लगता है कि सब सही है तो दिल्ली हाईकोर्ट को ही रेप कैपिटल बन गई है, आप दोनों पार्टी के लोग निर्भया कांड को भूल गए आप लोग, किस तरह से आपने बुलाया था? मैं कोई दिल्ली पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्टता से ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने बहुत मुस्तैदी से फोर्स में जो रिफॉर्म करने का काम किया है वो पिछले 1.25 साल से बहुत तेजी से किया है। पुलिस रिफॉर्म्स के 1500 करोड़ रुपए आपके फाइनेंस मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया, दिल्ली को पूरा अच्छे से कौन सा स्पीड पे हो रहा है काम, पॉलिटिक्स पुलिस दिया जा सके। तो ये जो बार बार जो दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है, अगर आप पिछली 3-4 घटनाएं देखें, मैं आपको उदाहरण देता हूं, विकासपुरी में जिस तरीके की घटनाएं हुई उसमें आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स इन्वॉल्व मिले और उन सब लोगों की गुंडागर्दी चली, एक जगह पर एक रेडी वाले ने लोगों तो को आम आदमी पार्टी को रोते रहे तेल डाल दिया और उसका कनेक्शन एमएलए के साथ मिला। तो ये जो मवाली कल्चर को इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया उसका दिल्ली को नुकसान, मवाली कह रहे हैं, ये भी एक कारण है कि लोगों में कम हो रहा है, के बादशाह जो दिल्ली जो हिंदुस्तान में लोगों से किया, युवकों को गुमराह कर दिया, लोगों को
झूठ बोलकर वोट ले लिया, युवकों को रोजगार देंगे। बीजेपी का कहना है कि वो मवाली है, वो मवाली कल्चर अपना रहे और हम उनको रोकने में नाकाम रहे। बीजेपी के वक्त बीजेपी जो है वो पूरी तरह से रोकने में नाकाम। मैंने जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया। और जहां तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर जितना क्रेन का रेट बढ़ा है उसको जवाब दीजिए। रोजगार के बहुत चुकी है, न केजरीवाल के पास है न बीजेपी के पास है। ये तो आम आदमी पार्टी को रोते रहिए आप। देखिए आम आदमी पार्टी का चित्र आएगा ही ना आपकी सरकार में। आम आदमी पार्टी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए गए हुए हैं। गोवा में जाके मीटिंग कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। अनिल वाजपेयी जी, आपका ये बयान जिम्मेदार है, आपका ये बयान बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, आपका ये बयान बड़ा डिसअपॉइंटिंग है वाजपेयी जी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह से बिगड़ी हुई है और जो क्राइम की घटनाएं लगातार हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हम ये चुनाव जीतेंगे वो चीज, ये सब ये वक्त नहीं है इसका। आप कह रहे हैं लोगों ने आपको संभालिए, दिल्ली के लोग आपके ऊपर भरोसा करते थे, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली को संभालिए, अरे हम इतना क्राइम बढ़ रहा है और दिल्ली के अंदर आज की अभी भी जो है वो कभी कॉरपोरेशन से लड़ाई, कभी हरियाणा से लड़ाई, आप केवल लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आप लोगों ने किया है नहीं, आपको दिल्ली की बात उनको करने को है नहीं, सीसीटीवी कैमरा कहाँ चले गए। लेकिन आज समय जो क्राइम बढ़ रहा है कहाँ है भरोसा किया है। 70 में 67 चलूंगी, जो कि रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है दिल्ली के, और दिल्ली पुलिस की बात लगातार यहाँ पर उठ रही है। कक्कड़ साहब, क्या वजह हो गई, आपको क्यों लग रहा है कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इस कदर नाकाम हो गई है, इस कदर बेबस दिखाई दे रही है? इंडिया गेट जैसी जगह पर इस तरह की घटना हमें देखने को मिल रही है, लगातार माइनर्स के साथ रेप की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं, अफ्रीकन नागरिक के साथ जो हुआ वो तो खैर अलग मसला है ही, लगातार क्यों ये राइज पर है क्राइम इस तरह से दिल्ली में? देखिए ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं वो बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आज हुआ है, मैं फिर कहना चाहता हूँ बब्बर साहब, तो आपके पास बाद में आऊंगी, मेरा सवाल कक्कड़ साहब से, क्राइम रिपोर्ट नहीं होता था बब्बर साहब, मेरा सवाल कक्कड़ साहब से, तो उनको वो मैंने इसलिए आपसे कहा कि जिस इफेक्टिवनेस से बब्बर साहब, मैंने सवाल कक्कड़ साहब से कहा था, आप बाद में आपका परिणाम निकल के आ रहा है। कक्कड़ साहब आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये जो इंडिया गेट का इलाका है, बोट क्लब है, राजपथ है, लाखों लोग वहां पे आते हैं, और बड़े अरसे से अगर आप देखेंगे इस इलाके में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। ये जो घटना हुई है ये अत्यंत दुखद है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों पीसीआर वैन जो कि वहां इतनी मात्रा में लगाई जाती है, या फिर पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, उनमें से किसी व्यक्ति ने, किसी पुलिसकर्मी ने आके इसमें दखलअंदाजी क्यों नहीं की? रोक सकते थे अगर थोड़ा बहुत हो सकता। और उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ है, वो जो लोग जिन्होंने इन पति पत्नी और बच्चे को चोट पहुंचाई है, उनको रोका जा सकता था, उनको पकड़ा जा सकता अभी था, तक पकड़े नहीं और वो तो खैर अभी भी पकड़े जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब तो 24 अगर उस वक्त अगर उस वक्त पुलिस पहुंचती तो अच्छा रहता लोग। अदरवाइज अगर आप कहें कि पूरा इलाके में पूरी डिस्टर्बेंस, ऐसा है नहीं। आप देखिए, मुझे बताइए पिछले 3-4 साल में कौन सी घटना इस इलाके में हुई है? ये पहली घटना है, और एक घटना को लेकर आप पूरा कानून व्यवस्था को कंडम नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है, जो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। देखिए हाई कोर्ट कोर्ट्स के जो है वो अपना थोड़ा सा मौका मिलने से कह देते हैं जो उन्होंने कहना होता है, और हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। अब देखिए लाभ कानून व्यवस्था प्रणाली में कोर्ट्स भी आती हैं, कोर्ट्स में केसेस कितनी देर पेंडिंग रहते हैं, 10 साल 20 साल, तो हम भी कह सकते हैं कोर्ट्स को। लेकिन पुलिस कर्मियों के, क्योंकि होंठ सिए हुए होते हैं, वो कुछ कहते नहीं है, जो कोई भी कहता है उसको सुनते रहते हैं। लेकिन मैं एज इन सिटीजन जो कि अब फ्री हूं, मैं कह सकता हूं कि भाई आप क्यों नहीं डिस्पोज करते केसेस को जल्दी,
आपके यहाँ केसेस क्यों पेंडिंग रहते हैं इतने, 10-10 साल 20-20 साल? तो मैं भी कोर्ट्स को कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम कोर्ट्स की टिप्पणी अच्छा, को की टिप्पणी की बात छोड़िए, कोर्ट की टिप्पणी समझ लेते हैं, कॉमेंट तो वही ठीक है, ऐसा है नहीं। को इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट में छानबीन होनी चाहिए, जो दोषी कर्मी पुलिस कर्मी है जो उस वक्त वहां पे थे और नहीं पहुंचे, उन पर एक्शन होना चाहिए। ठीक। तो टॉय बाइक चलाने वाले और तमाम तरह के हॉकर्स और तमाम तरह के लोग जो इस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं, जैसा कि हमने कल रात देखा, आखिर ये जमा कैसे हो रहे हैं इंडिया गेट पर, कैसे इनको लाइसेंस मिला या इन्हें लाइसेंस मिला भी है कि नहीं, कौन है ये लोग? आलोक जी, इस पर एक बहुत वाजिब सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो यही है कि इंडिया गेट के चारों तरफ जितने लोग भी इस तरह के जो खेल और तमाशा और हॉकर्स टाइप लोग हैं, उनको एनडीएमसी ने तो कोई परमिशन दी नहीं है, और अगर नहीं दी है तो क्या ये दिल्ली पुलिस के वहां के जो अधिकारी हैं प्लस एनडीएमसी के जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हैं, क्या उनकी मिलीभगत का रिजल्ट नहीं है? वहां पर इतनी बड़ी घटना घटती है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और पीसीआर खड़ी हुई है, तो क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी से, जैसा कि कक्कड़ साहब आप न्यायालय के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस का नेक्सस नहीं है ये? दूसरा मेरा सवाल है कि एक हमने 2013 में कांग्रेस की सरकार में वेंडिंग और हॉकर्स जोन के लिए एक बिल आया था, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, ताकि इन हॉकर्स का आइडेंटिफिकेशन हो सके, इनके पास प्रॉपर लाइसेंस हो, लेकिन वहां पर किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। तीसरा मेरा सवाल है कि केजरीवाल साहब की विधानसभा में इस तरह की घटना घटती है, अभी तक FIR नहीं हुई और केजरीवाल साहब को भवन में, मैं जानना चाहता हूं अभी तक FIR क्यों नहीं हुई और कब तक होगी, ये लोग कब तक अरेस्ट होंगे? वाजपेयी जी, उसके बाद फिर काकड़ जी के पास चलो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बार बार केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं, उनकी विधानसभा के ऊपर आरोप नहीं लगाए क्या? वाजपेयी जी, प्लीज वोट लेते हैं आप लोग, उनकी विधानसभा में कांड होता है, विधानसभा में ऐसा होता है। FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत के FIR क्यों नहीं दर्ज हुई, इसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं तो नई दिल्ली के नहीं सुनना चाहती, ऐसी घटना हो गई। वाजपेयी जी, मैं ये नहीं सुनना चाहती कि आप केजरीवाल पर, हमारा जो काम है हम लोग जवाब करने जा रहे हैं, लेकिन आप एनडीएमसी की बार बार लगा रहे हैं। अभी खान साहब की वहाँ हत्या कर दी गई, मीटिंग को केजरीवाल साहब यहाँ बैठे, बीजेपी तरह से घर घरे में, लेकिन केजरीवाल साहब घरे से बाहर कैसे हैं जरा बताइए। ठीक है, देखिए अगर कोई बात हुई है, अगर कोई बात हुई है, यही इनका यही एटीट्यूड जो है, खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर वहां पर उनको पीटा गया है लोगों को, दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब केजरीवाल जी को कुछ नहीं करना चाहिए? केजरीवाल क्यों नहीं करेंगे? अभी तक क्यों नहीं किया फिर? अरे कमाल करते हैं, केजरीवाल साहब के लॉ एंड ऑर्डर थोड़े ना केजरीवाल, तो क्या वो आज अमावस्या थी इसलिए मुहूर्त नहीं करेंगे? पुलिस नहीं, आज अमावस्या थी इसलिए मुहूर्त नहीं, आज दे दो लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया और आप इस तरह से बल्ला मार रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर हमारी समस्या नहीं है। हम मांग रहे हैं, नहीं जब आपने वोट, हम तो मांग रहे हैं कि अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये कहकर आपने वोट दिया है? ये भी हमने कहा है, केजरीवाल जी सीधा उन्चास के खिलाफ जब आरोप लगाए थे तब भूल गए आप लोग, उन्चास दिनों की सरकार में भी कहा है, आज भी कहा है, दिल्ली पुलिस हमको दे दो आप। शर्मनाक है ये स्टेटमेंट, वाकई शर्मनाक है, देने नहीं चाहते क्या? वाकई ये शर्मनाक है। मैं चलूंगी आप बीजेपी के पास, राजीव बब्बर के पास। बब्बर साहब, आखिर वाजिब सवाल है कि FIR तक नहीं अभी तक हो पाई, 24 घंटे हो गए, एट लार्ज हैं वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और ये जो बहुत वाजिब सवाल उठाया आलोक जी ने कि आखिर इन लोगों को किसने परमिशन दी बिना लाइसेंस के वहां पर रहने की? देखिए, एक तो जो अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथी बात कर रहे थे, इसमें समझने की जरूरत है कि वो केजरीवाल साहब की विधानसभा है, एक सेंसिटिविटी होती है MLA के नाते। केजरीवाल साहब को कम से कम वहां पहुंचना चाहिए था, दुनिया जहान में पहुंचते हैं, कभी हवाई जहाज से बेंगलोर पहुंचते हैं, कभी केरला पहुंचते हैं और कभी गोवा पहुंचते हैं, अपनी विधानसभा में भी घूमे थोड़ा, ये भी आलोक भाई ने जहां तक हॉकर्स की बात करी, देखिए ऐसा है, बहुत सारे हमारे, क्योंकि इंडिया गेट में जिस तरीके का माहौल है, और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जब पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, बहुत सारे हजारों लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, तो उसके साथ में जो उनको समस्याओं को सुलझाने के लिए जो कुछ हॉकर्स हैं वो वहां हमेशा से रहते हैं,
और उसके कारण हमेशा से नहीं रहते राजीव जी, आप गलत बयान दे रहे हैं। सही है, वहाँ पर इस तरह का हमेशा से रहते हैं। मैं तो बचपन से जाता हूँ इंडिया गेट पर। नहीं गलत चीज है, मैं इंडिया गेट से इंडिया परमिशन किसने दी वहाँ पर लगा रहे कांग्रेस। आलोक जी मैं बताता हूँ, आलोक जी, आलोक जी मेरा ये कहना, देखिए गृह मंत्रालय के समय से आलोक जी आप मुझे केवल ये बताइए एमसी गृह मंत्रालय के अधीन है, ऐसा है दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के, आप ही उनको परमिशन किसने, वहाँ पर मैं भी जाता हूँ बचपन से वहाँ जाते, हमको वहाँ स्थिति का पता है। जो आपने बात करी टॉय ट्रेन पहले नहीं चलती थी, अभी चल रही है, अभी देखने को मिली है, परमिशन किसने दी? उसको तुरंत पकड़ना चाहिए और उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अरे अभी भी आपके पक्ष में क्या सत्ताधारी दल है आप? नहीं पकड़ना चाहिए, कौन पकड़ेगा? हम तो सत्ताधारी है तभी कह रहे हैं, तो हम ही पकड़े, दिल्ली पुलिस उसमें लगी है। और जहां तक एफआईआर भी नहीं की है, कंप्लेनेंट की एफआईआर तो कंप्लेनेंट करा, केजरीवाल जी भी चुपचाप बैठे हैं और आपके तमाम बड़े बड़े लीडर्स भी चुपचाप बैठे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और कंप्लेनेंट को जाकर कर रहा है। अभी तक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है, आप कर रहे हैं इंक्वायरी का। आप प्रोसीजर, आप जो प्रोसीजर की बात, आप प्रोसीजर की बात जो है ना, मुझे बता दीजिए उनको परमिशन किसने दी? नहीं आप तो इतने समझदार आदमी है, इसलिए जो आप बात कह रहे हैं मैं इसलिए आपको ये कहने की कह रहा हूँ कि जहां तक मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ राजीव जी, वहाँ का एनडीएमसी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से लगती है सब, ये तमाम आइसक्रीम की रेहड़ियां और तमाम सामाजिक तत्व वहाँ पर सारे लोग, और आप आज भी राजनीति कर रहे हैं, आप कहिए कि हम सकते हैं कार्रवाई करें। कई सालों से आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर, पिछले कई साल से वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं घूमने आते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी ही, आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे? पिछले दो साल से आप कहिए कि हम एक्शन लेंगे, इसलिए मैं वाइस चेयरमैन आपके एक्शन हैं, तुरंत एक्शन लेंगे, वहाँ की मीटिंग की चेयर केजरीवाल जी करते हैं, तुरंत एक्शन लिया जाएगा और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सब वोट लेकर दिल्ली की जनता को ठग के अपने घर जाके बैठ गए। चलिए आपने नहीं ठगा दिल्ली की जनता को, आपने तो 15 साल क्या हुआ आपके, केजरीवाल साहब की विधानसभा में जो हो रहा है, 15 साल फोटो देखिए जो इंडिया न्यूज गेम को, इंडिया न्यूज आपने आज तक कितने लोगों को अंदर कर दिया? ऐसे भी होते हैं अंदर कर दिया, शीला दीक्षित के खिलाफ आप बकवास करते हैं, फिगर करते हैं, आपकी सरकार ने कहा उनके खिलाफ आरटीआई के जवाब में, चिंता मत करिए आप लोग फिर भी नहीं चुप, आप चिंता मत, ये इंडिया न्यूज के देखिए स्क्रीन पर क्या चल रहा है, इसको देखिए और शर्म कीजिए। इंडिया न्यूज एक मुद्दे को उठा रहा है, इसको शर्म कीजिए। कांग्रेस के जमाने में संवेदनशील बयानबाजी बंद कीजिए। कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ, आप तो बड़ी दूध की धारी हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने हमारा टाइम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप भी कांग्रेस बड़े कांग्रेस के जमाने में हुए, कांग्रेस में से हुआ है, आपका राज रहा आपके जमाने में, पुलिस का उस समय क्या हुआ ये आपको पता है? बाल तो कम से कम कांग्रेस को ही और पूरी तरह से रखिए। क्या हम आज की घटना पर बात करें, आज के जमाने की बात करें, विधानसभा में एक्शन नहीं हो रहा, आज के की बात करें, कृपया विधानसभा में ये हो रहा है, वाजपेयी जी आज के दौर की बात कीजिए, जब आपकी सरकार है दिल्ली में। नहीं नहीं निर्भया केस तो हमने करवा दिया था, निर्भया केस तो कांग्रेस ने करवा दिया था, आप लोग तकदीर ले लेके निकले थे दोनों पार्टी के लोग, हम आज भी अगर गलत दिल्ली कैपिटल हो गई, दिल्ली रेड कैपिटल, आज क्या हो गया, आज कहां केजरीवाल जी, आपकी तो दिल्ली में सरकार थी, आज कहां केजरीवाल, दिल्ली में सरकार थी आपकी, अरे भाई केंद्र में को बीजेपी के लोगों को रोइए ना, उन लोगों को उनसे कहिए, उनको तो कह ही रहे हैं प्रधानमंत्री की तरह से कह रहे हैं उनका, लेकिन पार्टी केजरीवाल कहां है, भारत के प्रधानमंत्री जहां रहते हो, भारत के गृह मंत्री जहां रहते हो, केजरीवाल भी पूरी केजरीवाल जी की विधानसभा भी है, जहां का एमएलए केजरीवाल हो आप उस बात को कीजिए, जहां का विधायक केजरीवाल हो आप उस बात का कीजिए, और जहां तक इस घटना की सवाल है, ये सारा सवाल जो है वो सबके सामने आलोक जी अभी बात कर रहे हैं, बब्बर साहब हम तो करेंगे ही, करेंगे वो राजनाथ जी ने शुरू किया, आपके मुख्यमंत्री है कहा, जो जो रिपोर्ट जो है, जो अच्छे काम हुए विधानसभा में तांडव हो रहा है, वो दिल्ली में हम देख रहे हैं, आपने क्या किया है, आप बहुत बड़े दिल्ली के वो बनते हैं, आप देखिए देखिए क्या आ रहा है इंडिया न्यूज़, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने अगर वही केजरीवाल है, लापरवाही करी है और कभी कहीं नौटंकी करते थे, कभी कहीं नौटंकी करते थे, आज क्या हो रहा है उनकी विधानसभा में, ये दिल्ली की जनता ने 67 सीटें दी हैं, 67 सीटें आप उस कमान में मत रहिए, अच्छा ठीक है छोड़िए छोड़िए, पुलिस
के अनहोली नेक्सस की, जिसकी वजह से वहां पर अनऑथराइज तरीके से कुछ हॉकर्स या ये बैटरी टॉय बैटरी चलाने वाले जो लोग हैं वहां जमा हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक सेकंड, मैं कक्कड़ जी के पास ये सवाल लेके गई हूँ। देखिए अलोक जी मेरे मित्र हैं, मैं केवल उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये तो पिछले 50 साल से इसी तरह चल रहा है। हॉकर्स वगैरह का लाइसेंस किसी ने कभी नहीं दिया है, ना किसी ने प्रश्न उठाए हैं। ये जो टॉय कार वगैरह है बच्चों के लिए, इन पर कोई लाइसेंस का कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे कि लाइसेंस मिले इनको। इनको सिर्फ केवल यह है कि ऑर्गेनाइज तरीके से इनको परमिशन, मतलब इनको देखा जा सकता है। मैं अब एक और गंभीर प्रश्न आप जवाब देना चाहता हूं आपको कि मैंने सुना इन सब प्रवक्ताओं को कि साहब हमारी सरकार नहीं है और कांग्रेस की है और कभी बीजेपी की है। मैं जब पुलिस आयुक्त था उस वक्त केंद्र में गुजराल साहब थे, स्टेट में साहिब सिंह वर्मा जी थे। जब भी कभी कोई बड़ी घटना होती थी तो ये सोच का ये उस वक्त के मुख्यमंत्री ये नहीं सोचा करते थे कि क्योंकि पुलिस मेरे पास नहीं, तब भी उनके पास नहीं थी, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आया करते थे। जैसे बम एक्सप्लोजन हो गया, कुछ लोगों को चोटें लग गई, मर गए, आते थे हमारे साथ, हॉस्पिटलों में जाते थे हमारे साथ, वो बाजारों में जाते थे, हम दोनों मिलकर लोगों को एक किस्म का आश्वासन देते थे कि हम सब कुछ ठीक करेंगे। तो मैं यही एक छोटी सी चीज केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप हर वक्त अगर पुलिस को अपोज करके ही आप काम करना चाहेंगे, शायद ये आपके लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जनता इसको कभी नहीं सराहेगी। जनता को है कि मुख्यमंत्री से कुछ ना कुछ उनको एक भरोसा होता है और पुलिस आयुक्त के साथ मिलकर अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं वो। वाजपेयी जी, देखिए ऐसी बात नहीं है, आज भी दिल्ली पुलिस के साथ हमारे संबंध खराब नहीं है। हमारा अरे आप तो दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहते हो, कहाँ से संबंध खराब नहीं है? आप देखिए कोर्ट में केस लड़ा जाते बात करते हैं, मतलब इससे ज्यादा और आप कितनी इतनी इससे अभद्र शब्दावली कोई हो सकती है? देखिए ये तो पॉलिटिकल केंद्रीय सरकार पॉलिटिकल पॉलिटिकल बात की क्या बात है? अरे आपके मुख्यमंत्री के पद के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। एक मिनट आलोक जी ठुल्ला मुद्दा साइड पे रखते हैं, आप पहले जवाब दे लेते हैं साहब, ठीक है? आप जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगा, हमें इस पर राजनीति नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात जो कक्कड़ साहब ने कही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अगर कोई भी दिल्ली में अगर इस तरीके का कुछ भी हुआ है, माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल साहब हमेशा जनता के बीच में, आज तक पुलिस कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री कहीं किसी को दिखाई दिए? उन्हें दिखाई, इंडिया न्यूज के दर्शक खुद अपने मन में सोचें। आप ऐसी बात करते क्या, हैं क्या मुख्यमंत्री और कहीं पर भी कभी बस्सी साहब के साथ किसी टूर पे किसी आज 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 कहीं पर दिखाई दिए? केजरीवाल जी की यूएस दिल्ली पुलिस, मैं केंद्र सरकार को गाली दूं, मैं केंद्र सरकार को, मैं हरियाणा सरकार को, मैं दिल्ली पुलिस से सबसे झगड़ा करूं मैं? हमारा आप लोगों को केवल और केवल राजनीति करने की वकालत करते थे बस्सी साहब, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ना होंगे, यही असली आपके प्रवक्ता थे, वो बीजेपी के भी थे, आज वो कम से कम वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। हम टकराव क्यों करेंगे? हम तो दिल्ली की जनता से लड़ाई, कॉर्पोरेशन से टकराओ, दिल्ली पुलिस से टकराओ, हरियाणा सरकार से टकराओ, केंद्र सरकार से टकराओ, आप तो टकराव की राजनीति, टकराव ही आपका। हम तो हमें संघर्ष के लोग संघर्ष करेंगे, ही रहे हर गलत चीज का विरोध करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो संघर्ष की पार्टी है और दिल्ली की जनता बेचारी सोच रही है कि संघर्ष कहाँ है और हम कहाँ पर है। एक छोटा तो दिल्ली में ये जो बिगड़ती हुई व्यवस्था हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आखिर जवाबदेही किसकी तय की जाए इसमें? दिल्ली की सरकार लगातार ये कहती है कि हमारे पास पुलिस नहीं है, केंद्र सरकार कहती है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, आपकी सत्ता है यहां पर। बब्बर साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। देखिए ऐसा है कि जो अभी कक्कड़ साहब ने बात की, मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, डेफिनेटली केजरीवाल साहब जो है वो किसी के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपनी जो इमेज है वो इस तरीके की बना के रखूं कि मैं बिल्कुल अलग हूं,
और शायद उनको लाभ हुआ इसलिए वो उसी झूठ को पकड़कर चलना चाहते हैं, तो उनसे हमको वो मैच्योरिटी की अपेक्षा नहीं हो रही। लेकिन जो दिल्ली को आज की डेट में सबसे बड़ा, मैं केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी नहीं हटा रहा, मैं दिल्ली पुलिस को भी मुक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जो बात कहना चाहता हूं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है क्षेत्रों में इनके एमएलएज और इनके वर्कर्स एक रॉबिनहुड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण नीचे ग्राउंड पर बहुत बुरी तरीके से एक व्यवस्था खराब हो रही है। और ये अगर आप दिल्ली के ग्राउंड पर देखेंगे, ये जाकर दिखने लग गया है, जिस तरीके से ये कुछ इस तरीके के लोगों को पैम्पर करके और जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अराजकता फैली हुई हो, ये माहौल इनके एमएलएज नीचे प्रमोट कर रहे हैं और केजरीवाल साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करने वाला आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होकर इस तरीके का काम करने लगता है, तो दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार को और मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है, जो हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके कारण से ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में कल्चरल चेंज जो आ रहा है, जो जब से इनकी सरकार आई है, वो बहुत खतरनाक है, वो दिल्ली के समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जानबूझकर समाज को बांटने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं, जिसको दिल्ली में दिल्ली वालों को नुकसान के बारे में तो बताइए जरा। आप उनकी बात का जवाब दीजिए पहले, फिर आरोप लगाइएगा। पहले जो उन्होंने आरोप बातें कही हैं कि ये जो गुंडा कल्चर प्रमोट हो रहा है, रॉबिनहुड कल्चर जिसका नाम उन्होंने दिया, ये सीधे सीधे आपकी सरकार को आरोपित किया, इसके लिए इसका जवाब दीजिए। ये तो जो मर्जी कहे, इनको तो छूट मिली हुई है जाके ये, लेकिन मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ। नहीं भाई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके खिलाफ अमित शाह ऐसे गुंडे को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए कृपया। ये तमाम फोरम पे आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप। कहाँ अराजक है बताइए आप, उस आरोप अगर गलत मानते हैं तो उसका जवाब दीजिए। लोगों को अराजक बता रहे, सबसे बड़े देश के अराजक तो आप लोग हैं, जिन्होंने पूरे गुजरात को तबाह कर दिया, आज पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने में आप लोग आपके 21 लोग सबसे बड़े जो है, कोई जो है गाड़ी वाले को थप्पड़ मारता है, कोई ऑफिसर को थप्पड़ मारता है, सबसे बड़े देश के अराजक ये जो सारी एफआईआर है, सरकार है, एफआईआर आपकी सरकार है, लिखी जा रही है, आज क्यों नहीं कार्रवाई करते एमएलएस की कंडीशन देखिए। आप ग्राउंड पे गुंडों को लेकर सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, कल जो एसडीएम पकड़ा गया उसके साथ तीन कार्यकर्ता आपके दामाद पकड़े गए, कल जो एसडीएम 50,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया दोस्त, उसमें तीन आपके आम आदमी पार्टी के दलाल वहां पर पकड़े गए, उसके साथ अपराधी आप लोगों के अंदर है, ये ग्राउंड रियलिटी है साहब जी। आज का बहुत ही ऊपर चिट्ठी लिखी जाती है, आप उम्र में भी बड़े हैं, दिल्ली की जनता का सवाल है, संवेदना, बात गलत कर रहे हैं, नहीं, बात आप भी गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप भी, आपकी उन्होंने सही बात कही। अरे भाई, आपकी तो कुछ जिम्मेदारी नहीं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ। अभी बब्बर साहब कह रहे थे कि साहब ऑनलाइन एफआईआर होने लगी, अरे भाई ऑनलाइन होने लगी, सब कुछ होने लगा बब्बर साहब, आप अभी तक 24 घंटे बीत गए, एफआईआर क्यों नहीं हुई? साहब की पहली चीज, दूसरी चीज, अरे साहब किसी भी बात से सहमत नहीं है आप, तो केवल कानून के दायरे में जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही बैठ के बोलेंगे या कुछ करेंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं। एक सेकंड में राहुल जी और माखन जी मांग तो कीजिए, मांग किया आपने, केजरीवाल जी ने उसको लागू क्यों नहीं किया दिल्ली में? जो हमने हॉकर्स को स्ट्रीमलाइन किया, भाजपा के नेताओं ने रोक रखे हमारे बिल, अगर आप गलत तरीके से काम नहीं करेंगे तो रुकेंगे वो, आप लड़ाई चाहते टकराव चाहते हैं, लेकिन इसमें नुकसान करेंगे बीजेपी ने, नुकसान ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है। शो खत्म हो चुका है, कृपया आप खामोश हो जाइए, शो खत्म हो चुका है, कृपया चुप हो जाइए आप प्लीज। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य ये दिल्ली की जनता का कि वो किसकी तरफ जाए, किससे उम्मीद करे न्याय की, उसे ये नहीं मालूम, क्योंकि तमाम पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है।